खाने वाली है एशियन स्टर फ्राई वेजीज। ये खाने में बहुत ही हेल्दी है, आप ये बनाकर अपनी मील्स को स्किप करना चाहेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि वेजीज हमारा खाने का मन नहीं करता, बट आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आप इसे रोज बनाना चाहेंगे। इसमें बहुत खाने के बाद बहुत लाइट फील होगा और टमी भी फुल रहेगा। तो आइए फिर फटाफट इसकी रेसिपी के साथ शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं पैन में लूंगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल वॉल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 10 से 12 गार्लिक चॉप्ड, जैसे ही हमारा लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कटी हुई गाजर और इसको सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कटी हुई ब्रोकली और इसको भी हम सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फूलगोभी, इसको भी हम सॉटे कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप बीन्स कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कटी हुई शिमला मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस। हमें सोडियम का रेगुलर लाइफ में कम से कम यूज करना चाहिए, तो इसीलिए उसका सब्स्टिट्यूट हमने सोया सॉस डाला है, तो इसीलिए हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। आप चाहें तो सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, तो बेटर है आप सॉल्ट को स्किप करें, ये काफी हेल्दी डिश बनने वाली है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप रेड बेल पेपर और इसको सॉटे करेंगे। I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. अब बारी है इसमें 1/2 कप येलो बेल पेपर डालने की। Oh no, I have to get you off my mind, cause of you. इसमें डालेंगे 1/2 कप पत्ता गोभी कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अब हम इसमें
इसमें डालेंगे आधा कप कटी हुई लेटस लीव्स, डालेंगे रोस्टेड तिल। हमारा स्वीट फ्राइड वेजीज तैयार है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, इट्स अ हेल्दी डिश। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सके।